हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट द सेकेंड लेसन सॉल्यूशन थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन। अगर कोई डाउट हो तो आप कंसर्न कर सकते हो। क्लियर? Now we start third chapter electrochemistry. First of all, we discuss about the introduction of electrochemistry. What is the electrochemistry? It is the branch of physical chemistry, mainly branch of physical chemistry. वैसे तो branch of science कह सकते हो, branch of chemistry कह सकते हो, but अब आप जान गए हो कि chemistry is divided in three portion. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द टू टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, इन विच इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। दैट मीन्स इट डील्स विद द चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस होती है, इसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? नॉर्मली अगर कहें अपन केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे चल के बात होगी इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरल वे में कह सकते हैं अपन। अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, द चेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू एनर्जी, that is electrochemistry. In other words, electrochemistry is defined as the production of electrical energy from spontaneous reaction and usage in different type of non-spontaneous reactions. क्लियर? कोई डाउट है? इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफाइन एज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड यूजेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द रेडॉक्स रिएक्शन। किससे डील्स करेगी आपकी? रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो डील्स विद रेडॉक्स रिएक्शंस। एंड 11th क्लास वी डिस्कस अबाउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। That is clear, reduction and oxidation. For example, burning of fuel, right? Digestion of food. क्लियर? फोटोसिंथेसिस, क्लियर? बैटरी ड्राई एंड मॉइस्ट, फ्यूल सेल,
in these phenomena also regarding with redox reactions. So completely we discuss about the electrical energy and chemical energy changes in different type of reactions, either redox reaction, reduction or oxidation, that is burning of fuel, batteries, digestion of food, photosynthesis, fuel cell, in sub phenomena में क्या होता है, redox reactions complete होती है. That is the introduction of electrochemistry. यहाँ तक कोई doubt है? नहीं होना चाहिए. Clear? देखिए बेटा, electrochemistry means change of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Chemistry of electron, also known as electrochemistry, deals with redox reaction, reduction and oxidation. These reactions also obtain in these processes. Clear? Now we moving about the next topic, that is the metallic and electrolytic conductor. जो अपना first topic है इस chapter का, वो होगा आपका metallic and electrolytic conductor. Clear बेटा? यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे? सबसे पहले conductor की बात करेंगे. तो next topic होगा अपना metallic and electrolytic conductor. Topic क्या है अपना बेटा? metallic and electrolytic conductor. Metallic and electrolytic conductor. सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? Conductor. किसकी बात करेंगे बेटा? Conductor की. दो substance in which electrical current can be passed. दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी पास्ड आर कोल्ड कंडक्टर्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर कौन होंगे? जिनमें से इजी गोइंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है, आर कोल्ड कंडक्टर. लाइक एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज आयरन, कॉपर, राइट. एंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर. सेकेंड क्या है अपने पास में? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर. यहां पे क्या हो गया एग्जाम्पल अपने पास में? मेटल्स अपने पास में एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, निकल, जिंक, इटिस. क्लियर? इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट बी पास्ड. दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट बी पास्ड आर कोल्ड, कैन नॉट बी पास्ड आर कोल्ड इंसुलेटर और कंडक्टर. लाइक एज प्लास्टिक, रबर, ग्लास, etc. क्लियर? टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर. क्लियर बेटा? मेटेलिक कंडक्टर देन मीन्स मोस्टली वी डिस्कस अबाउट द मेटल्स हुज एक्ट एज ए कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर मीन्स वी डिस्कस अबाउट द मेटल्स हु रिलेटेड टू कंडक्टर्स, राइट. दो सब्सटेंस इन विच, दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड by the flow of electrons, by the flow of electrons. तो यहां पर क्या होगा?
इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। हालांकि ये चीज आप फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हो, मेटेलिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड उन्हीं की बात करेंगे, बट यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड स्टेट, क्लियर। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्लियर। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए आपके पास में कोई भी डाउट, क्लियर हो गया बेटा। इनको अपन क्या कहेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। मोस्टली इनमें कौन कौन होंगे बेटा? मेटल्स और अलॉय। कौन कौन होंगे? मेटल्स और अलॉय। एग्जाम्पल अगर अपन ले यहां पर तो कौन होंगे? मेटल्स एंड अलॉय, दीज आर द मेटेलिक कंडक्टर। मोस्टली किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्टली किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और मोस्टली कौन से स्टेट में होंगे? ये सॉलिड स्टेट में, एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। सॉलिड में भी होंगे और मोल्टन में भी होंगे। किसमें होंगे आपके? सॉलिड स्टेट में भी होंगे और मोल्टन स्टेट में भी होंगे, क्लियर। दोनों ही स्टेट में ये मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्लियर। इन दीज कंडक्टर सम कंडीशन आर अप्लाइड when conductivity are increased, the conductivity are affected. Conductor का जो nature होता है उसको अपन क्या कहेंगे? Conductivity, ने conductance, clear? तो जो conductivity है वो mainly इसकी four point पे depend करती है। Conductivity mainly four point पे depend करती है। First point is number of valence electron of metal. First point क्या है आपका? Number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी यहां पर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मींस उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्लियर। सेकंड अपने पास में स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। सेकंड क्या है आपका? स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल। और लास्ट फैक्टर है अपने पास में कौन सा? टेम्परेचर। कौन सा होगा बेटा? टेम्परेचर। दीज आर फोर फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। दैट इज क्लियर। आगे चले, सेकेंड है अपना कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्लियर। देखिए बेटा सेकेंड इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं। सेकेंड अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्लियर। देखिए बेटा जो मेटेलिक कंडक्टर था वो
कंडक्टिविटी शो कर रहा था दोनों स्टेट में, सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट आप जानते हो, मोल्टन मतलब पिघली हुई, राइट? तो सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ओनली ओनली कंडक्टिविटी शो इन एक्वास और मोल्टन स्टेट, एक्वास और मोल्टन स्टेट। क्लियर? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिकल करंट पास्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट आर कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, आर कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस सो दीज आर कोल्ड आयोनिक कंडक्टर, दीज आर कोल्ड आयोनिक कंडक्टर। वहां पे बात था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर कोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। यहां पे अपने पास में ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस सो कोल्ड आयोनिक कंडक्टर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल NaCl, इसकी बात करेंगे अपन, NaCl। NaCl जो है आपका सॉलिड स्टेट में, किसकी बात करूं मैं, सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है। क्या होता है बेटा, इंसुलेटर होता है। क्लियर? बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, एक्वस और मोल्टन स्टेट, दिस इज कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। NaCl का क्वेश्चन बन जाता है, NaCl इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या वाई। तो आपको समझाना है कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस की, जैसे एक्वस में जाएगा वहां पर क्या होता है, एक्वस आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अपने पास में क्या देखो, NaCl प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट डिजॉल्व इन वाटर देन फॉर्म Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। यहां पर अपने पास में एक्वस आयन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ये वाटर में डिजोल्व करेंगे, दैट मींस फ्लो ऑफ आयंस टेक प्लेस, देन इट सो इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर। क्लियर बेटा? इसके एग्जांपल हो सकते हैं कौन कौन से, जनरली एसिड हो सकता है आपका, बेसिस हो सकते हैं आपके, और आपका ये सोल्ट हो सकता है। क्लियर? उस सोल्ट की बात कर ली अपने, किसकी, NaCl की। क्लियर? आपका एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस एग्जाम में, किसके लिए, हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से था बट रिगार्डिंग था वो कंडक्टिविटी से, बात की थी उसने कॉपर की और कॉपर क्लोराइड की। इसके लिए कहा था कि आपका एक कंडक्टर होता है दोनों स्टेट में, क्वेश्चन दे रखा है नोट्स में आपको, ये कंडक्टर होता है दोनों स्टेट में बट कॉपर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, ओनली एक्वस स्टेट में होता है। क्लियर? तो कॉपर क्या है आपका, मेटेलिक कंडक्टर। कॉपर क्या है बेटा, मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ स्टेट, मोल्टन स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सो कॉपर इज कंडक्टर इन बोथ स्टेट बट कॉपर क्लोराइड इज सॉलिड सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस, राइट? सो इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस, सो इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, ऐसा आपको इसको
आंसर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये कंप्लीट था अपना फर्स्ट टॉपिक, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।